दो घंटा आप पढ़े तो आपका दिमाग हजम करने की कोशिश करता है, तो उसमें आपको नींद जैसी कुछ आता है, वो नींद नहीं होती, वो दिमाग रेस्ट करना चाहता है। तो वहीं मेज पर ऐसे हाथ रखे, सो लीजिए, वो सोना नहीं है, वो दिमाग डाइजेस्ट करना चाहता है। C = C, Conquest = Consolidation। लेकिन जब आप वहां से उठ के बिस्तर पर चले जाते हो तो फिर उठते हो रात में 11 बजे, जो वाकई सोने का टाइम है उसको तुम यूज करो सोने में, कैसे भी। रात्रि जागरण का खेल मत रखो, कुछ भी नाटक करके, रायता फैलाकर, कुछ भी। जय हिंद फ्रेंड्स। C = C, Conquest = Consolidation। मराठा भारत में साम्राज्य क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। कब लड़ाई लड़ी, जीते, चौथ लिया वापस, इसलिए कभी साम्राज्य बने ही नहीं। मुगल, उन्होंने इस फॉर्मूले को फॉलो किया। तुमको भी पढ़ाई में इसी फॉर्मूले को फॉलो करना है, और ये चैलेंजिंग है। पढ़ना चैलेंजिंग नहीं है, हजम करना, पेट है ये दोनों पेट हैं। दोपहर में पढ़ना सबसे खतरनाक माना जाता है। 2.5 किलो लंच कर लिए, और पढ़ते पढ़ते एक काम जरूर करा करिए, नैप जरूर लिया करिए। कभी भी सोने के लिए आप बिस्तर पे ना जाएं। तो दो घंटा आप पढ़े तो आपका दिमाग हजम करने की कोशिश करता है, तो उसमें आपको नींद जैसी कुछ आता है, वो नींद नहीं होती, वो दिमाग रेस्ट करना चाहता है। तो वहीं मेज पर ऐसे हाथ रखे, सो लीजिए, वो सोना नहीं है, वो दिमाग डाइजेस्ट करना चाहता है। लेकिन जब आप वहां से उठ के बिस्तर पर चले जाते हो तो फिर उठते हो रात में 11 बजे, तो ये बहुत बड़ी बात है, जो मतलब आमतौर पर स्टूडेंटों को पता नहीं चलती कि नैप का सिद्धांत क्या है। तो जब तुम 2 घंटे पढ़ते हो तो तुम्हारा मन उस चीज को हजम करना चाहता है, तो कहता है भैया थोड़ा सा, तो तुम्हें नींद जैसा फील होने लगता है, वो नींद नहीं है। बाकी नींद पूरी रात में, और कोशिश करो कि 10 बजे से लेकर मैक्सिमम सुबह 5 बजे तक सो जाओ, 4 बजे तक, जो वाकई सोने का टाइम है उसको तुम यूज करो सोने में, कैसे भी। रात्रि जागरण का खेल मत रखो, कैसे भी, कुछ भी नाटक करके, रायता फैलाकर, कुछ भी। नींबू लिया, उसमें लाल रंग भर के चाकू से काट दिए। हमारे कमरे में जो है ब्रह्म बाबा आते हैं, अगल बगल वाला कोई आएगा ही नहीं, सो आराम से। हजम करना, हजम, यहां डाइजेस्ट करना। इसलिए जब तुम किसी आदमी को मिलते हो जिसको गीता याद है, कुरान याद है, बाइबल याद है, तो तुम बहुत अचंभित होते हो कि कैसे भैया यहां NCERT का एक चैप्टर नहीं याद हो रहा है। तो क्या तुम्हारी क्षमता कम है? नहीं, एक आदमी ने बेईमानी नहीं की, वो है भगवान। उसने क्षमताएं सबको बराबर की दी, उसने बुद्धि सबको दी, सद्बुद्धि बहुत कम लोगों को दी। मोती झील में 2 तरह के लोग आते हैं, एक 5 से 11, एक 11 से 5। नहीं, एक 5 से 11, हर आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, बॉडी बना रहा है, और एक 11 से 5, वो न्यूटन वाले लोग आते हैं। वो कान में बताते रहते दूसरे को कि देखो न्यूटन का लॉ था पहला ऐसा, और बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, तो धक्का वक्का देके समझाते रहते हैं। वो पढ़ने आते हैं, वो आप ऐसा मत समझिए, वो बदतमीजी करने आ रहे हैं, बहुत कंसेंट्रेट होकर पढ़ाई करते हैं, पर रिजल्ट ही नहीं मिलता। वो 11 से 5 वाले परेशान है कि जीवन में कुछ है ही नहीं, भगवान ने हमको कुछ दिया नहीं, इतना मारेंगे ना जूता से तुमको, मरना पड़ता है, मरना।
एजुकेशन का एक ही सिद्धांत मैं तुमको बार बार क्लास में कह चुका हूं, एजुकेशन मतलब दिमाग को जिंदा करना। तुम अपनी स्थिति से अंदाजा लगाओ कि तुम 16 साल पढ़े हैं, फिर तुम्हें कोचिंग भी करना पड़ रहा है, तो अब तुम मुझसे काहे पूछ रहे हो। तुमको पता है कि एक जबरदस्त रिफॉर्म भारत की एजुकेशन पॉलिसी में होना चाहिए। यहां कोई बच्चा बैठा हुआ क्लास में? सब पाषाण काल के लोग हैं, सब एक दो बच्चे बैठे होंगे, बाकी सब स्टोन एज प्री पैलोलिथिक वैलिथिक के हैं सब। ये बेचारे वैसे ही दुखी हो रहे हैं कि यार बताओ ये सब हम क्या पढ़े थे यार, सब मॉडर्न इंडिया पढ़ के बैठे इसमें 10-12-15 लोग, अब ये सन्नाटे में, ये हम भी कुछ पढ़े थे लेकिन नहीं, सब ये सब तो कहीं दिखा नहीं, लिखा था तुम्हारी आंखें गुजर गई ऊपर से, वो किताब तुमसे चिल्ला रही थी कि भैया सुन लो भैया, अरे तुमने कहा बाद में सुनेंगे यार अभी टाइम नहीं। तुम्हारा वो हाल हो रहा है कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, तुम मेहनत भी कर रहे हो जिंदगी भी कमा रहे हो और तुम्हें कुछ मिल भी नहीं रहा है। कॉम्पिटिटर हो तुम, घर से तुम्हारे 5-6-7,000-10,000 रुपया आता होगा, तो ना तुमको खुदा मिल रहा है ना तुम जीवन जी पा रहे हो और सनम तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। जल तो तुम बहुत रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं जल रहे हो, जल बहुत रहे हो लेकिन कोयले की तरह जल रहे हो, राख बन जा रहे हो। स्कूल की एजुकेशन का मतलब क्या है? तुम्हारा दिमाग जिंदा हो जाए, तुम सोचने लगो, कनेक्ट करने लगो, ना तुम कनेक्ट करना सीख पाए ना तुम सोचना सीख पाए, तो उस एजुकेशन का फायदा ही क्या था? और डर तुम अलग से गए, जातिवादी हो गए, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, कल एक रैली निकली थी, ठीक है। तो शिक्षा में क्रांतिकारी सुधार, इतना बैग लेके लड़के क्लास में जाते हैं क्या फायदा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडली पीरियोडिक टेबल में फर्क ही नहीं पता, क्या फायदा? क्योंकि यहां के लड़के मेहनत करना बहुत जानते हैं, उनसे मेहनत चाहे जितनी करा लो और डायरेक्शन पा जाए तब तो और करें, क्योंकि सब मिडिल क्लास के घर के हैं, किसान के घर के हैं, कोई बहुत रईस तो है नहीं। जब तुम स्टूडेंट को जाति के आधार पर मारते हो तो उसे दर्द होता है, लेकिन जब तुम उसे मारते हो क्योंकि तुम उसका भविष्य बनाना चाहते हो तो उसे दर्द नहीं होता। तुम अपने पिता लोगों से पूछो, माता से पूछो, कभी उन्होंने किसी टीचर की बुराई की? क्योंकि वो इसलिए मारते थे क्योंकि आपका भविष्य अच्छा चाहते थे, वो इसलिए नहीं मारते थे कि तुम अलग जाति के हो अलग धर्म के हो। और जब काम नहीं कर पा रहे हो होमवर्क नहीं कर पा रहे हो, हम स्कूल में क्यों अच्छा परफॉर्म करते थे? क्योंकि टीचर होमवर्क ना करने पर पीटती थी, यहां कोई होमवर्क ना करने पर पीटने वाला नहीं है। और होमवर्क मतलब कंसोलिडेशन, फीडिंग, तो वही चीज तो बाद में एग्जाम में आती थी, तो जिसका होमवर्क मजबूत रहता था उसके अच्छे परसेंटेज आते थे। वही हाल यहां भी है, जो होमवर्क का जैसे टीना दाबी है उसकी मां क्या है, रिजाइन कर दिया नौकरी से, होमवर्क कराती थी दिन भर बिठा के, बेचारी खुद बैठी रहती थी। तो एक बहन का 1 रैंक, दूसरी बहन की 15 रैंक, क्योंकि एक होमवर्क कराने वाला आदमी था ना। एजुकेशन मतलब E = E, एजुकेशन यानी एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट यानी आपको दो चीजें आ गई स्कूल खत्म होने के बाद, एक कनेक्ट करना आ गया, आपने कनेक्टिविटी सीख ली। अब देखो ये कनेक्टिविटी का ही तो सिद्धांत था कि 1816 तक इन लोगों ने कब्जा किया, अब इन्हें क्या करना है, कंसोलिडेट, तभी तो ये नीतियां बनी। कौन सा वर्ग खुश हुआ? सोशल रिफॉर्मर। कौन सा वर्ग खुश हुआ? एजुकेटेड मिडिल क्लास। कौन सा वर्ग खुश हुआ? सारे वर्ग खुश तो हो गए अंग्रेजों से,
तो अंग्रेजों के समर्थक बन गए, कंसोलिडेशन हुआ। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन, बस इसमें रटना क्या है। पर तुम ये चीज सीखे नहीं स्कूल से, यार ये भी कोई चीज होती है। जय हिंद।